दोस्तों गर्मी बहुत तेज़ी के साथ बढ़ती चली जा रही है। 40 डिग्री के आसपास टेम्परेचर हो चुका है और आगे भी वो बढ़ता चला जाएगा। तो ऐसे में हमारा फ़र्ज़ है कि हम अपने बजीज पैरट को इस गर्मी से प्रोटेक्ट करें, उनकी कॉलोनी केज और उनकी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करके रखें। तो आज की वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ ऐसे टिप्स जिनको आप फॉलो करेंगे, जिनको आप यूज़ करेंगे तो देखिएगा कि आप अपने बजीज पैरट को काफ़ी हद तक ठंडा रख सकते हैं, उनके केज और कॉलोनी का टेम्परेचर भी काफ़ी हद तक आप कम कर सकते हैं। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है, वीडियो को पूरा देखें। और जो भाई हमारे चैनल पेट्स विद फातिमा से पहली बार जुड़े हैं तो भाई प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाएँ। तो चलिए दोस्तों वीडियो करते हैं हम लोग स्टार्ट। देखिए दोस्तों गर्मी बहुत तेज़ी से बढ़ती जा रही है और जब गर्मी बहुत ज़्यादा होती है तो आपने देखा होगा कि हमारे जो बजीज पैरट हैं वो चोंच खोल खोल कर सांस लेते हैं और बुरी तरह से हांफते हैं। तो उसका रीज़न ये होता है कि हमारे बर्ड्स को गर्मी लग रही होती है। तो हमारा ये फ़र्ज़ है कि हम अपने बर्ड्स को टेम्परेचर मेंटेन करके दें जिससे कि उनकी हेल्थ अच्छी रहे और वो ब्रीड भी अच्छी करें। तो दोस्तों उसके लिए करना ये है कि सबसे पहला काम आपको ये करना है कि अगर आपने अभी तक अपने बजीज पैरट को मिट्टी के पॉट में पानी नहीं दिया है तो आप मिट्टी के पॉट में पानी देना स्टार्ट करें। देखिए ये मिट्टी का पॉट आपको इजीली मार्केट से जहां मिट्टी के बर्तन बनते हैं वहां पर आसानी से आपको अवेलेबल हो जाएगा। तो आप मिट्टी के पॉट के अंदर पानी रखेंगे तो उससे फ़ायदा ये होता है कि पानी का जो टेम्परेचर होता है काफ़ी हद तक कम हो जाता है, पानी ठंडा रहता है उसमें और बजीज पैरट जब उसको पीते हैं तो उनको वो पानी पीने से दोस्तों उनका जो है बॉडी टेम्परेचर भी कम रहता है, उनको गर्मी का एहसास कम होता है। आप हमेशा अगर अभी तक आप किसी और बर्तन में पानी देते आए हैं तो आप उसको चेंज करें, मिट्टी के बर्तन में अपने बजीज पैरट को पानी देना स्टार्ट करें। इसके अलावा दोस्तों आपको करना ये है कि डेली कुछ टाइम के लिए आपको एक बड़े से टब के अंदर पानी भरकर रखना है अपने बजीज पैरट के पास, क्योंकि बजीज पैरट को जो गर्मी लगती है तो उसमें वो नहाते हैं। आप देखिएगा जब आप पानी रखेंगे किसी बड़े टब में तो बर्ड्स उसमें नहाएंगे, उससे दोस्तों वो अपने आप को काफ़ी हद तक गर्मी से बचाते हैं। तो आप किसी बड़े टब में रोज़ाना ताज़ी फ्रेश पानी भरकर भी रखा करें। अब दोस्तों इसके अलावा आपको ये काम करना है कि आपके अगर केज या कॉलोनी के ऊपर डायरेक्ट धूप आती है तो उससे आपको अपने बर्ड्स को प्रोटेक्ट करना है। उसके लिए करना ये है कि आपकी अगर कॉलोनी है तो आप जो है खस की चटाई आती है दोस्तों मार्केट से मिल जाएगी, उसको आप अपनी कॉलोनी के ऊपर लगाएं, उसके ऊपर जब आप पानी के छींटे डालेंगे तो उससे ठंडी हवा अंदर जाती है कॉलोनी के और हल्की हल्की उसमें से बहुत प्यारी सी खुशबू भी आती है। लेकिन आपकी अगर कॉलोनी नहीं है केज है तो आप किसी भी तरह से धूप से अपने केज को प्रोटेक्ट करें, चाहे तो आप टाट के बोरे होते हैं उसको गीला करके भी अपने केज के ऊपर रख सकते हैं, उससे भी काफ़ी हद तक जो है आपके बर्ड्स को गर्मी से बचाव मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों आपको करना ये है कि आपको अपने केज को ऐसी जगह रखना है जहाँ पर प्रॉपर वेंटिलेशन हो। आपकी कॉलोनी है तो कॉलोनी में भी आपको वेंटिलेशन का इंतज़ाम करना है। वेंटिलेशन होता है तो दोस्तों उससे बर्ड्स को जो है ज़्यादा गर्मी नहीं लगती है, लेकिन जिस जगह वेंटिलेशन नहीं होता है वहाँ हफ्स हो जाता है, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है, बर्ड्स हांफते हैं बुरी तरह से और उन्हें गर्मी लगती है। तो आप ख्याल ये रखें कि अपने केज को ऐसी जगह रखें जहाँ प्रॉपर वेंटिलेशन हो, एक जगह से हवा आती हो दूसरी जगह से निकल जाती हो, ऐसी जगह पर काफ़ी हद तक दूसरी जगह के मुकाबले टेम्परेचर कम रहता है। अब दोस्तों अगर आपकी कॉलोनी है तो आपको ख्याल ये रखना, अगर आपका टीन शेड लगा हुआ है छत के ऊपर तो आप थर्माकोल ला कर छत के ऊपर लगाएं, उससे भी काफ़ी हद तक जो है गर्मी कम हो जाती है। इसके अलावा दोस्तों आप, मैं स्क्रीन पर आपको दिखा रहा हूँ, ये इस तरह की एक स्प्रे बॉटल होती है, आप उससे अपने बर्ड्स को ज़्यादा गर्मी पड़ने पर स्प्रे भी कर सकते हैं, उससे भी बर्ड्स को बहुत अच्छा लगता है जब उसके ऊपर आप स्प्रे करेंगे तो उससे भी बर्ड्स को गर्मी से काफ़ी हद तक बचाव मिलता है। तो आप स्प्रे बॉटल से भी अपने बर्ड्स को स्प्रे कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आपको करना ये है कि अपने बर्ड्स को आपको जो भी डाइट देनी है, अब आपको अपने बर्ड्स को ठंडी तासीर की चीज़ें खिलानी हैं, जो भी गर्म चीज़ें हैं वो आपको बंद कर देनी है।
जैसे सूरजमुखी के बीज अब आप अपने बर्ड्स को बिल्कुल भी नहीं खिलाएं, आप जो बॉयल एग होता है, एग फूड, वो भी आपको नहीं खिलाना है। आपको करना ये है कि आपको बॉयल राइस जो होते हैं, उबले हुए चावल, वीक में 2 बार देने हैं, उसकी तासीर ठंडी होती है तो वो खिलाने हैं। गेहूं सर्दियों में हम लोग उबाल कर दिया करते थे, लेकिन अब हम उसे 24 घंटे पहले भिगो कर देंगे, उससे गेहूं भी ठंडे हो जाते हैं, तो भिगो कर वो गेहूं आपको देने हैं। अब आपको पालक मेथी वगैरह कुछ नहीं देना है, ये सब चीज़ें गर्म होती हैं। आपको अपने बर्ड्स को हरा धनिया खिलाना है, पुदीना खिला सकते हैं आप, ककड़ी, और इसके अलावा आप तरबूज भी खिला सकते हैं। ये सब ठंडी चीज़ें हैं दोस्तों, इनको आप अपने बर्ड्स को खिलाएंगे तो जो है आपके बर्ड्स को ज़्यादा गर्मी नहीं लगेगी। देखिए होता ये है दोस्तों, जब हम अपने बर्ड्स को लगातार वही डाइट देते रहते हैं जो हम जो है विंटर के सीज़न में देते थे, उसमें कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनकी तासीर गर्म होती है, जिसकी वजह से बर्ड्स को बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, तो हमें वो चीज़ों को बंद करना है और अपने बर्ड्स को एक प्रॉपर वेंटिलेशन देना है, जिससे कि बर्ड्स गर्मी से बुरी तरह हाँफे नहीं। आपने देखा होगा काफ़ी जगह पर या आपके यहाँ पर जो है बर्ड जब ज़्यादा गर्मी लगती है तो बुरी तरह से चोंच खोलकर सांस लेते हैं, हाँफते हैं, तो उसका रीज़न ये होता है कि बर्ड्स को बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही होती है। तो हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम अपने बर्ड्स को गर्मी से बचा कर रखें। और अगर आप दोस्तों इस मौसम में अपने बर्ड से ब्रीड ले रहे हैं, अभी आपके यहाँ पर ब्रीडिंग चल रही है, तो आपको करना ये होगा कि मटकियों के जो ढक्कन होते हैं उनको आप हटा कर रखें। देखिए मटकियों के ढक्कन लगे रहते हैं गर्मी के मौसम में, तो मटकियों के अंदर काफ़ी ज़्यादा हब्स हो जाता है, गर्मी हो जाती है, फ़ीमेल जो मटकी के अंदर बैठती है उसकी हेल्थ ख़राब होती है, बच्चों को भी मोशन लग जाता हैं, तो आप मटकियों के ढक्कन जो हैं फ़िलहाल हटा कर रखें जब तक आप इस गर्मी के मौसम में ब्रीड ले रहे हैं। और उसके बाद जैसे ही आपकी ब्रीडिंग कंप्लीट हो तब आपको ब्रीड लेना बंद करना है, क्योंकि दोस्तों ज़्यादा गर्मी के मौसम में ब्रीड नहीं लेनी चाहिए, चिक्स जो हैं वो सर्वाइव नहीं करते हैं, वो मर जाते हैं, और फीमेल की हेल्थ भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, बच्चों का साइज़ अच्छे से ग्रो नहीं हो पाता है। तो जैसे ही आपके ये बर्ड जो हैं इस टाइम ब्रीडिंग का आपका क्लच चल रहा है ये कंप्लीट हो, आपके बर्ड्स जो हैं फौरन ही आपको ये करना है कि मटकियों को हटा देना है और बर्ड से ब्रीड नहीं लेनी है, और 2-3 महीने का उनको प्रॉपर आपको रेस्ट देना है। तो ये सब चीज़ें करेंगे दोस्तों तो काफ़ी हद तक आप अपने बर्ड्स को गर्मी से प्रोटेक्ट कर सकते हैं और उनकी हेल्थ को भी अच्छा रख सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल से नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इजाज़त दीजिए, अब मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ। ओके, गुड बाय।